दुश्मनी को देखने के लिए ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो निश्चित तौर पर कोर्ट कचहरियों और जेलों का चक्कर काट रहे होंगे। मतभेद आज के होंगे और उस समय आने वाले 20 साल से 25 साल बाद वो मतभेद उजागर हो रहे होंगे। नमस्कार। कल परिणाम तो आने ही वाला है चुनावों का, लेकिन समझना यह है कि क्या ये परिणाम कोई पहली बार आ रहा है। ये परिणाम प्रत्येक 5 वर्षों में आता है और ये परिणाम आते रहेंगे, लेकिन आखिरी हमारा एक मुद्दा यह है कि हम इन परिणामों को लेकर आपसी मतभेद क्यों करें। बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है कि परिणामों को लेकर मतभेद हो जाते हैं और हम ये भी जानते हैं कि वही मतभेद मनभेद में बदल जाते हैं। हमको ये समझना चाहिए और ये हमको सोचना चाहिए कि जो उम्मीदवार जीतता है वो किसी एक जाति का या किसी एक समूह का या किसी एक पक्ष का नहीं होता है, वह उम्मीदवार सभी का नेता होता है। ये बात हमको भली भांति समझ लेनी चाहिए। जब जीतने वाला उम्मीदवार जीतने वाला नेता सभी का नेता है तो फिर क्यों हम आपस में मनभेद करें, हम आपस में क्यों लड़ते हैं और क्यों अपनी जिंदगी का कीमती समय बर्बाद करते हैं। ये हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए, अच्छे से सोच लेनी चाहिए ये चीज़ें कि हम आपसी मतभेदों को ना करें, लड़ाई दंगे ना करें, क्योंकि हम लोग जितने अशिक्षित और जितने हम पिछड़े हुए लोग होंगे उतने ही ज़्यादा हम लड़ाई झगड़े भी करेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि आप कितने समझदार लोग हैं। शांति से रहना और सबको एक साथ लेकर चलना, ये एक समझदार व्यक्ति की शिक्षित समाज की पहचान होती है। लेकिन जब हम ऐसी हरकत कर देते हैं तो स्पष्ट जाहिर कर देते हैं कि हमारा समाज और हमारा समुदाय ये ना ही जागरूक है ना ही शिक्षित है, बल्कि ये पिछड़ा हुआ समाज है। तो हम अपने समाज को बदनाम कर रहे होते हैं इस समय, लेकिन हमें अपने समाज को बदनाम नहीं करना, हमें अपने समाज का नाम रोशन करना है कि हमारा समाज कितना शिक्षित है, कितना जागरूक है, कितना हमारा समाज समझदार है। समाज में एक पर्टिकुलर समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी समाजों की बात कर रहा हूँ। इसलिए ये परिणाम जो आने वाले हैं, कल जो परिणाम आने वाले हैं, ये परिणाम प्रत्येक 5 वर्ष में आते रहते हैं। इन परिणामों के चक्कर में आपसी परिणामों को आपसी रिश्तों को खराब ना करें। कई स्थानों पर देखा गया कि अभी से मतभेद बढ़ गए, लेकिन इन मतभेदों को हम देखें कि पूरी ज़िंदगी के लिए मतभेदों से मनभेद बदल जाते हैं और पूरी ज़िंदगी भर हम तो चल बसते हैं, हमारे बुजुर्ग तो चल बसते हैं, वो समझदारी से काम ले जाते हैं, लेकिन जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें आ जाती हैं और वो बच्चे उन्हीं नकारात्मक चीज़ों को लेकर पलते हुए बड़े होते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं उस समय वो उस दुश्मनी को निकालते हैं जो आज की दुश्मनी है, और इस दुश्मनी को देखने के लिए ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो निश्चित तौर पर कोर्ट कचहरियों और जेलों का चक्कर काट रहे होंगे। मतभेद आज के होंगे और उस समय आने वाले 20 साल से 25 साल बाद वो मतभेद उजागर हो रहे होंगे। किसी भी क्रांति की किसी भी लड़ाई की शुरुआत तुरंत नहीं होती, चाहे वो इतिहास उठाकर देखें तो हमें पता चलता है 1857 जैसी क्रांतियों की शुरुआत भी 1612 में हुई थी। अचानक 1857 की क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी। जो आपसी लड़ाई झगड़े हैं उनकी शुरुआत हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं और अभी से कर रहे हैं, अभी से बीज बो रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों के सामने तो बिल्कुल जाहिर ना होने दें कि हम किसके पक्ष में हैं और किसके विपक्ष में हैं, किसके हम समर्थक हैं, क्योंकि जो आप समर्थक हैं आप तो बोल कर भी और बहस कर भी आप किसी के समर्थक बन गए, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे अनसमझ बच्चे हैं, वो बच्चे हमारी बातों को सुनकर केवल अपने मन में एक तरह से घृणा पालते हैं और वो घृणा आगामी 20 से 25 वर्षों बाद नज़र आती है। उस समय शायद हम भी नहीं रहते, हमारा भी शायद समय आ जाता है, लेकिन वो बच्चे उस आज की दुश्मनी को, आपकी और हमारी दुश्मनी को 20 से 25 साल बाद उजागर करते हैं और पूरी ज़िंदगी भर लड़ाई झगड़ों में निकाल देते हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक शिक्षित समाज है, जो एक जागरूक समाज है, समझदार समाज की पहचान ये है कि वो सभी तनाव की स्थिति में अपने आप को संभाल ले। जहाँ पर अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं तो ये समझ लें कि वो व्यक्ति या तो समझदार नहीं है या समाज समझदार नहीं है या अशिक्षित समाज है। तो हमें अपने शिक्षित और समझदार और विकसित समाज की पहचान को बनाना है, ना कि अविकसित और पिछड़े हुए समाज की पहचान को के रूप में हमें अपनी पहचान बनानी है। तो ये चीज़ समझ लेनी चाहिए हमको। फिर मैं बता रहा हूँ कि जीता हुआ नेता किसी एक पार्टी का नहीं होता या एक व्यक्ति का नहीं होता, वो सभी का नेता होता है
और सभी उसके लिए समान होते हैं। ये एक नैतिक कर्तव्य होता है। उस नेता का पक्षपात कर वो एक अलग चीज़ हो जाती है, वो उसका नैतिक कर्तव्य है और उस पक्षपात का वो भरपाई भी वो करेगा। लेकिन हमारे लिए सबके लिए सभी नेता समान होंगे। जो जीत जाएगा वो सबका हमारा नेता होगा, चाहे कोई भी हमारी जाति हो, चाहे कोई भी हमारा समूह हो, कोई भी हमारा पक्ष हो, कोई भी विपक्ष हो। जीता हुआ नेता चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बीजेपी से हो, निर्दलीय हो, कांग्रेस से हो या किसी अन्य पार्टी से हो, सभी नेता जो भी जीतेगा वो सबका नेता होगा। इस बात को विशेष रूप से हमें जहन में बिठा लेना चाहिए और आपसी मतभेदों को समाप्त कर एक भाईचारे का संदेश देना चाहिए। रही बात पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन के सामने हमको इस प्रकार से प्रस्तुत होना करना चाहिए कि हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दंगे लड़ाई झगड़े नहीं होते। आपका पुलिस प्रशासन भी शांतिपूर्वक रहेगा, आप भी शांतिपूर्वक रहेंगे और आपके समाज और आपके क्षेत्र विशेष की पूरे देश में सिफारिश होंगी, चर्चाएं होंगी कि समाज तो वो था, क्षेत्र तो वो था, तो वह आपके हाथ में है। आपके समाज की बदनामी करानी है या पहचान उसकी इज्जत बनानी है या फिर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कल परिणाम आने वाले हैं। तो ये विशेष चीज़ ध्यान में रखें कि हमको किसी का भी पक्ष विपक्ष की बातें नहीं करनी है और विशेषकर जोश में तो होश बिल्कुल नहीं खोना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाती हैं। तो विशेष मैं आशा करूँगा आप सभी लोग बड़ी सावधानी पूर्वक और समझदारी से काम लेंगे, चाहे आप किसी भी जाति से हों, चाहे किसी भी धर्म से हों, किसी भी समुदाय से हों, चाहे आप कांग्रेस के समर्थक हों, चाहे बीजेपी के समर्थक हों, या आप निर्दलीयों के समर्थक हों, या फिर आप किसी अन्य पार्टी के समर्थक हों, आप इस बात को अच्छे से समझेंगे और अपने बच्चों को और अपने समाज को एक अच्छे संदेश के रूप में प्रस्तुत करेंगे, एक अच्छे सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करेंगे, नकारात्मक रूप से प्रस्तुत नहीं करेंगे। धन्यवाद।